ये पार्टीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल चढ़ा दिया है। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों के तेल की एक अलग ही खुशबू और महक होती है। तो अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो मैं डाल रही 2 हरी इलायची, 2 छोटी लौंग के टुकड़े और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें हमारा 1 बारीक कटा प्याज। प्याज को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स करें। अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर और हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। सो धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है। अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक कर रखेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए, हमारा टमाटर पक जाए और पूरी जो मसाला है वो कढ़ाई जो तेल छोड़ने लगे। तो हम इसे ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो जैसे ही हमारा जो मसाला है वो कढ़ाई जो है छोड़ने लगे या तेल छोड़ने लगे, इसमें डालेंगे दही। तो दही हम डालेंगे 2 टीस्पून। इसमें अच्छे से फेटा हुआ दही डालें, 2 से 3 टीस्पून आप डाल सकते हैं। मैं 2.5 टीस्पून डाला है। अब इसे मिक्स करें और अब फिर से हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के पकाना होगा ताकि मसाले जो भी है तेल छोड़ने लग जाए। तो ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे ढक देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा दही भी अच्छे से रेडी हो गया है, चारों तरफ ऑयल निकल आया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें डालेंगे हमारे मटर। तो मटर मैंने धो के साफ करके रखे हैं। इसमें हम इसे मिक्स कर दें। मटर को पकने में कम से कम 2 से 5 मिनट लगेंगे, तो हम इसे ढक के रखेंगे। इससे पहले हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। इसे अच्छे से मिक्स करें। और अब हम इसे ढक देते हैं। मटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल भी पूरा बाहर आ चुका है, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। तो मैंने ये 1/2 कप क्रीम रखी है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। क्रीम डालने के बाद आप इसे ढक दें। हम इसे ढक के 2 मिनट और पकाएंगे। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम इसमें हमारे डालेंगे पनीर। तो हमने पनीर के छोटे छोटे स्क्वायर क्यूब काट लिए हैं। अब इसको इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट तक इसे हमने ढक के पका दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी ताकि हमारी जो मटर पनीर है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी आ जाए। तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है। इसको हल्के हाथ से हिलाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला।
और इसे हम हिला देंगे धीरे से, बहुत ही हल्के हाथ से इसे हिलाएंगे। अब इसे बंद कर दें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। पनीर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और टेम्पटिंग भी दिख रहा है। तो हम इसको इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स करें और बस मटर पनीर हमारा तैयार। गरम गरम परोसें, नान, चपाती, रोटी जिसमें चाहे उसमें आप खाइए। और ये पार्टीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।